ये देखिए कितना जोर से पानी। ये सारा रास्ता डूब चुका है। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी हो रहा है सुबह को 8:30। बस आज बहुत जोर से बारिश हो रही है, दिखाता हूँ आप लोगों को। कल रात से कल रात को 9 बजे से लेके आज सुबह तक बारिश हो रही है, दिखाता हूँ आप लोगों को। आप लोग यकीन नहीं करते हो, और दिखाता हूँ आप लोगों को कितना जोर से बारिश हो रही है। ये देखिए बहुत जोर से बारिश हो रही है। इस साइड में देखिए, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। और मैं अभी गेलू के लिए और मेरे लिए उपमा बना रहा था, वो थोड़ा जल गया, दिखाता हूँ आप लोगों को। वो जल्दबाजी में थोड़ा जल गया। और नया नया जो बनता है ना, तो ऐसा ही होता है, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये मैं उपमा बना रहा था, वो सूजी का उपमा। ये देखिए, ये जला हुआ टुकड़ा, ये देखिए ये वाला जो टुकड़ा है, ये वाला जो टुकड़ा है वो जल गया, और एकदम जला हुआ टुकड़ा। और थोड़ा थोड़ा, मतलब ज़्यादा नहीं जली, एकदम नीचे से थोड़ा सा लग गया। तो ठीक है, खा लेंगे अभी गेलू और मैं। चलिए मैं थोड़ा ब्रश ब्रश कर लेता हूँ, फिर गेलू को खिलाते हैं। और चलिए पहले ब्रश कर लेते हैं और फिर करते हैं ब्रेकफास्ट, गेलू और मैं, सूजी का उपमा। यही तो यही जाती जाती गति ब्रश कर रहा है। ये देखिए दांत काठी लेके, चलिए अंदर चलते हैं। और बहुत जोर से बारिश हो रही है, कल रात को 9 बजे से लेके अभी तक हो रही है। क्योंकि ये क्यों हो रही है पता नहीं, लेकिन न्यूज़ में बोला था कि 14 तारीख तक बारिश होगा। फिलहाल ब्रश करके रेडी हो चुके हैं, बस करते हैं। ये जो देखिए, ये रहा उपमा, गेलू और मैं खाएंगे, थोड़ा ज़्यादा नहीं खाएंगे। गेलू तो कभी ज़्यादा नहीं खाता, बस थोड़ा थोड़ा खाता है। वो बोला कि थोड़ा प्याज काट के ऊपर डालने के लिए, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। प्याज काट के डाला तो तभी खा रहा है। ये इतना शरारत करता है घर में कि सबको परेशान करके रखता है, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ऊपर मैंने प्याज डाला है और टमाटर का सॉस डाला है, तभी वो खा रहा है, नहीं तो नहीं खाता था। तो सॉस था तो प्याज भी था, तो मैंने काट के डाल दिया, तभी वो खा रहा है। हमारा घर में प्याज गेलू और मैं ज्यादा खाते हैं। फिलहाल अभी सुबह को 11 बज रहा है। देखिए दिन भर बारिश हो रही है, सुबह से कल रात से बारिश हो रही है। हम जाएंगे अभी थोड़ा बाहर, मतलब जैसे कि खेत के साइड। चलिए अब चलते हैं, बारिश कितना मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बस अभी हम छतरी लेके जा रहे हैं। आप लोगों को आवाज़ आ रहा होगा कितना ज़ोर से बारिश हो रही है, दिखाता हूँ आप लोगों को। एकदम हमारा खेत का साइट और हमारा जो ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड, वो सारा डूब चुका है। कल रात से जम के बारिश हुई, अभी तक चल रहा है बारिश। बच्चे लोग यहाँ पर जाल बिठा के मछली पकड़ रहे हैं, दिखाता हूँ आप लोगों को। चलिए मैं पीछे का कैमरा करता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को कितना बारिश हो रही है, कितना पानी।
ये देखिए कितना मछली पकड़ रहे हैं। मछली कहाँ है? मछली नहीं है, नहीं है। अभी आया। उसी दिन हमारा खेत से हमने मछली पकड़ के लाए थे और आज मछली खाने की मन नहीं कर रहा है, बस थोड़ा मजा करना है, यहाँ पे जाल वाल पकड़ना है और घूमना है, मस्ती करना है। चल तू चल। ये देखिए हमारा जाल, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए इस तरह का जाल आप लोगों का उधर मिलता है कि नहीं। ना 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 तेरा खल्टी नोगे दो सीढ़ी खल्टी है। ले ना गया लगा फाइनली जाल बिठा के आ चुके हैं हम तीनों। ये देखिए बबलू और मैं और ये छोटा बच्चा, बस देखते हैं 2-3 घंटे के बाद मछली आते है कि नहीं। अगर मछली आएंगे तो देखेंगे, बारिश तो बहुत जोर से बारिश हो रही है, बारिश में मछली पकड़ने की मजा ही कुछ और है, एकदम मजा लगता है बारिश में घूमने की। चलिए अब चलते हैं दूसरे साइड, उस साइड में एक बहुत बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब, उस साइड में जाएंगे। चलिए अब चलते हैं, उस साइड में भी लोग मछली पकड़ रहे होंगे। हमारा घर से 200 मीटर पीछे एकदम रास्ता डूब चुका है, ये देखिए रास्ता भी यहाँ पर धोने लगी है, बस यहाँ पर लोग भी जाल बिठाए हैं मछली के लिए। देखिए कितना पानी, एकदम पानी ही पानी, इस साइड खेत एकदम डूब चुका है। फाइनली दोपहर हो चुकी है, मम्मी ने बना रहा है अंडा करी, चलिए थोड़ा नहा धो के फ्रेश होते हैं और खाते हैं अंडा करी के साथ राइस। फिलहाल अभी चलते हैं जो हमने जाल बिठाया था और देखते हैं मछली आए कि नहीं। अगर मछली ना बबुल का को देखते हैं, अगर मछली लगे होंगे तो उनको निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए जा रहा है जाल चेक करने के लिए, देखते हैं मछली लगे कि नहीं। हाँ आइए, एक मछली तो लगी है। बापा ये देखिए एक मछली, ये वाला देखिए और भी एक लगी, ये है कैटफिश, छोटा वाला कैटफिश। ये देखिए कितना बड़ा मछली, इसे कैटफिश बोलते हैं। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा मुच्छे, इसे बोलते हैं कोव फिश, इसे बोलते हैं कोव, ये है कैटफिश। हो गया हमारा मछली, 3 मछली लगी है, क्या करेंगे किस्मत खराब है, सबका तो ज़्यादा मछली आ रहे हैं लेकिन हमारा सिर्फ 3 चलेगा। देखते हैं फिर 1 घंटे के बाद। चलिए अब थोड़ा बारिश बंद है, मतलब बारिश नहीं हो रहा है अभी, और सारे लोग मछली पकड़ने के लिए एकदम उतावला हो रहे हैं। आगे दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे बड़ा बड़ा जाल लगा रहे हैं। ये देखिए सारे लोग जा रहे हैं मछली लेके, बैग में पॉलिथीन में, ये देखिए बहुत सारा मछली,
इस टाइम बारिश के टाइम बहुत सारा मछली आते हैं ऊपर से, और खेत से लोग वो खंचा वट बिठाते हैं, वो बिठा देते हैं गुड्डो मार दो। अच्छा बस ये देखिए कितना मछली ये लेके आया है खेत से, मछली है। हाँ अभी बारिश का टाइम में बहुत ज़्यादा मछली मिलते हैं ना, एकदम खेत में बहुत ज़्यादा मछली मिलते हैं, लोग खींचा बिठाते हैं खेत में तो पकड़ते हैं छोटा छोटा मछली। ये देखिए उधर जो आदमी दिखा रहा है ना, दिख रहा है ना, तो यहाँ पे वो जाल बिठाया था तो उनका जाल एकदम पानी उधर ले गया, तो वो लाने के लिए गया है, देखते हैं उनको जाल मिलता है कि नहीं। ये देखिए कितना जोर से पानी, ये सारा रास्ता डूब चुका है। फारू पैसा आपको दे दिया कि ना, तो तू हमारे को तो और तो कर छुड़वा कि ना, तू से तो हम कोई नहीं कर। फाइनली जाल मिल चुका है, बहुत कसरत के बाद वो जाल ढूंढ के ले आया, चलिए देखते हैं वो कैसे जाल बिठाता है, जोर से तो पानी आई है। বর্ষ সারা বন্ধ এইটা বড় বিলর পানি না আর বিলর পানি রাখার পর পারি বলে গেল বিলর বুলি যাই না তোমাকে বলি তারা বিলর পানি এটি আছে পানি না এটু কত আছে মেঘটা পরে চলছে ঠিক আছে। দেখি আমাদের গাঁও কা লোক কেসে মাছলি পকড়তে হ্যাঁ, ये जाल बिठा के, और जब ज़्यादा पानी आता है ना वहाँ पर जाल बिठाते हैं और खंचा लगाते हैं तो मछली इसके अंदर, तो पकड़ते हैं फिर मछली। भाई आप लोग कमेंट करते हो कि गांव का लोग झूठ बोलते हैं, मछली खरीद के लाते हैं और बोलते हैं मछली पकड़ कर आए हैं। देखिए हमारा गांव में इस तरह का मछली पकड़ते हैं, ये रहा गांव का सच, गांव का लोग कभी मछली खरीदते नहीं, बस बारिश के टाइम में मछली खूब पकड़ते हैं। फाइनली अभी टाइम हो रहा है रात को 10:30, बस करते हैं डिनर, डिनर में बनी है रोटी और हरी सब्जी खाते हैं और साथ में एडिटिंग स्टार्ट करते हैं, आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और अपना माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय। तीन मछली लगी है, क्या करेंगे, किस्मत खराब है, सबका तो ज़्यादा मछली आ रहे हैं फिर हमारा सिर्फ तीन चलेगा, देखते हैं फिर एक घंटे के बाद।